हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजन, मैं आपका स्वागत करती हूँ फागलेश में अनपना किचन में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से बिहारी स्टाइल वाले ठकुए, जिसमें हमने अपना थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। एक बार आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। तो इसके लिए चलिए बनाने के लिए चलते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है चीनी। चीनी में हमने इलायची डाल दी है, 4 दाने 250 चीनी लिया है। इसमें 4 दाने इलायची डाल के पीसने के लिए डाल दिया। अब हमने मैदा ले लिया है, ये हमारा 250 मैदा है, और इसमें 250 हमने सूजी भी डाल दिया है। तो दोनों मिला के 1/2 किलो ये हो गया, और इसमें 250 चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी कम खाते हो तो कम डालें। इसमें हमने ले लिया है नारियल के बुरादे। नारियल के बुरादे 50 ग्राम ले लें, जिसमें बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। तो इसमें हमने 50 ग्राम नारियल के बुरादे डाल दिए हैं, डेसिकेटेड नारियल। आप चाहे तो आप, हमने रेडीमेड लिया है, आप चाहे तो घर में भी बना सकते हो। अब इस सभी को हाथ से मिला लेते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी बेकिंग पाउडर डाल दी है, जिसमें ये बहुत ही खास्ते बनेंगे, इसलिए 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है इसके अंदर। और इसमें हमने तेल भी डाल दिया, तो तेल हम इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डाला है, जिससे बिल्कुल खास्ता बनेगा और टेस्टी भी लगेगा ये खाने में। और हाथों से अच्छे से इसको मसल लेते हैं। तो हम जो मसल लिए हैं हाथ से, तो देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से मसला गए हैं। और अब हमने जो चीनी पीस के रखी थी उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। चीनी अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। हमने 1/2 किलो में 250 चीनी डाला है। तो इसको अच्छे से हाथों से फिर से हमने मसल लिया है चीनी को। तो आप भी अच्छे से इसे मिला लें, बहुत अच्छे से हाथों की सहायता से इसे मिला लिया है हमने। तो आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से हाथ से मुठली बन जाते हैं। तो इसमें हमने इस तरीके से हाथों से मसल मसल के इस तरीके से बनाया है। इस तरीके से जब हो जाए तब इसमें पानी डालें, और हल्के हल्के पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना है, और ना ही तो एकदम खड़ा बनाना है, ना ही तो नरम, मीडियम टाइप के बनाएं। तो हाथ से मसल मसल के हम इसमें डाल रहे हैं पानी। तो इसको मतलब गूंदना नहीं है, इसको मीडियम रखना है, गूंथना नहीं है, सिर्फ बांधना है इसको। सभी को एक साथ बांध देना है, तो ज़ोर से इसे मसल मसल के हम सभी को बांध देंगे एक साथ, हल्के हल्के हाथों से पानी डाल के। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल बटन पर भी ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो देखिए हमारा ये आटा बन चुका है, और अब हम इसमें से लोइयां काट लेते हैं। एकदम छोटी छोटी लोइयां काटेंगे, बिस्कुट के आकार के बनाएंगे, नींबू की छोटी लोइयां काटेंगे, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है, तो जिससे ये फुल के डबल हो जाएंगे और बिल्कुल खास्ता और क्रिस्पी बनेंगे। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो आप चाहो तो इस तरीके से छोटी छोटी लोइयां काटें, और बच्चों की भी मदद हो जाएगी इसमें। वो भी अपने बच्चों को बोलो, अपने क्रिएटिविटी दिखाएंगे इसमें, बहुत अच्छे से ये बन जाएंगे फटाफट, और मेहनत भी नहीं लगेगी। तो देखिए हमने सारी लोई काट ली है, और इस तरीके से हम बना लेंगे। तो हमने हाथ से बना रहे हैं, हम फॉक के मदद से ये डिज़ाइन डाला है, और आप हाथों की मदद से भी डिज़ाइन डाल सकते हो, बच्चों को भी बोल सकते हो इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। बच्चे भी अपने, हमारे बच्चे तो इसमें सारे डिज़ाइन डाल दिए, बहुत अच्छे अच्छे, और हमारा तो जल्दी जल्दी बन भी गया था। तो आप भी एक बार कोशिश करें, और फटाफट टेस्टी और डिलीशियस ये घर में तैयार कर लें, नाश्ते में हो या टिफिन में हो, बच्चे को बहुत ही पसंद आएंगे। जब बच्चे को छोटी मोटी भूख हो तो इसे ज़रूर आप दें, बिल्कुल टेस्टी बनती है। तो आप इस तरीके से सभी को बना लें। तो देख सकते हो हमने फॉक की मदद से ही इसमें डिज़ाइन डाल दिए हैं रंग बिरंग के। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए हमारा सारा बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये सारे हमारे बच्चे ने बनाए और कितने अच्छे अच्छे ये आकार डाले हैं इसमें। तो आप भी चाहो तो मदद ले सकते हो बच्चों का, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, झटपट बन जाएंगे। इसमें हमने तेल डाल दिया है और बड़े चूल्हे पे तेल डालें और मीडियम ताव पे रखें तेल को, जिससे हमारा क्रिस्पी होगी, नहीं तो ज़्यादा फ्लेम दोगे तो कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो हमने मीडियम ना ही तो एकदम स्लो रखे हैं, स्लो रखोगे तो ये पूरे तेल पी जाएंगे, और मीडियम हाई पे रखोगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए मीडियम में रखो। और सभी को एक एक करके हमने इसमें डाल दिया और इसे अब उलट पुलट के हम पका लेते हैं। तो आप थोड़ी देर पकने दें, कच्चे में इसे ना छेड़ें। तो देख सकते हो एक तरफ से पूरी लाल हो चुकी है, तो हम इसे पलट रहे हैं। अगर कच्चे में ही पलटोगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर तक पकने दें, फिर इसको उलट पुलट करके सेक लें। तो देखिए तो हमने उलट पुलट के इसे अच्छे से सेक लिया है लाल होने तक। आप चाहो तो जिस तरीके का भी लाल चाहो, आप ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, या कम लाल चाहो तो कम लाल में निकाल सकते हो। हमें थोड़े लाल पसंद है तो हमने इसे लाल रखा है। आप चाहो तो थोड़े नॉर्मल लाल में भी इसे निकाल सकते हो। ये अंदर से ही पक जा गई है बिल्कुल अच्छे से। तो ये अब हम इसको निकाल लेंगे उलट पुलट के बाहर। तो देखिए हमारा एकदम रेडी है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और सभी को हम इसी तरीके से एक एक करके फ्राई कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो हम फिर दूसरे बेंच भी डाल दे रहे हैं इसमें पकने के लिए। जब ये पक जाएंगे फिर आपको हम सभी दिखाते हैं कितना क्रिस्पी और टॉप सॉफ्ट बने हैं। एक एक करके हम इसमें भी सारे ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से अब पकने देते हैं। और चलिए चलते हैं, अब हमारा हो चुका है सारा फ्राई, लास्ट बेंच है। तो हमारे आप दिखाते हैं आपको कैसा बना हुआ है ये हमारा बिस्कुट बोलो या फिर इसको ठकुआ बोलो, जो भी बोलो। और ये बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी है, आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा बन गया है। तो ये थोड़ा गर्म रहता है तो नरम रहता है, और थोड़ा ठंडा होकर बिल्कुल कड़ा हो जाएगा। तो हम ये अभी देख सकते हो कितना क्रिस्पी और हाथ से कितना ईजिली टूट भी जाता है। तो हम दिखाएंगे आपको ठंडे होने के बाद। तो ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और बिल्कुल ही क्रिस्पी हो चुका है, और देख सकते हो हाथ की मदद से हमने इसे तोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी और करारी बनी हुई है। तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।